और आप सबसे पहले वीडियो देखें और कमेंट करके बताएं आप लोगों को क्या कन्फ्यूज हो रहा है, कोई ऐसा मुश्किल हो रहा है तो वो मैं डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। पहले यहाँ से आप एक निशान लगा लेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, एक निशान ऊपर लगा करके आपको ये जो 1 इंची है ये 1 इंची को ऊपर रखना है और इसका लंबाई है 35 इंची। तो ये 35 इंची पे निशान लगा देना है और प्लस 2.5 इंची ज़्यादा करके लंबाई का निशान लगा देना है। उसके बाद में इन साइड है तो ये 26 पे लगा देना है और ये इसका आधा करके 1.5 इंची ज़्यादा करके लगा देना है। उसी तरह यहाँ से ये जो किनारी हो गया यहाँ से आप 1.25 इंची आगे उठाएंगे मारिक और इसका थाई है 22 इंची तो 11 इंची यहाँ पर रखेंगे और ये 5.5 हुआ, इतना आ गया। अब यहाँ से इसको सीधा कर लेंगे। अगर कपड़ा कम है तो सीधा रखेंगे, अगर नहीं है तो क्रॉस रखेंगे। तो मेरे पास सीधा है तो ये सीधा निशान। ये हो गया। उसके बाद में इस निशान को ये आपका हो गया। उसके बाद में जैसे इसका हिसाब आपको पूछना, ये आगे से क्रॉस कैसे रखते हैं, जो यहाँ पे फलाई का हो गया ये राउंड कैसे रखते हैं। तो इससे पहले मैं एक वीडियो अपडेट किया हूँ पॉइंट कटिंग का, तो उसमें बताया हूँ, तो आप वो फिर वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको पूरा ये कितने भाग में रखना है इसको मैं बता दिया हूँ ऑलरेडी, तो आप वो मेरा वीडियो देखे। तो इसको हमने रखना है 1.5 इंची से 1 लाइन कम। ये बच्चे का साइज मैं काट रहा हूँ, जैसे आपको फिर यहाँ पर जो है वो 1/2 इंची जितना क्रॉस कर देना है। उसके बाद में आपको यहाँ से 28 इंची है तो ये 7 × 28 हुआ, 1 इंची ज़्यादा करके 8 पे लगा देना है और यहाँ से ये वाला स्केल उसका घुटना है 14 इंची तो ये 3.5 हुआ और ये 7 हुआ, तो ये 14 इंची का ऐसे हो गया। और फिर स्केल पलट के उसके बाद में 12 इंची है मोहरी तो ये 3 + 3 6 हुआ, 6 × 12। उसके बाद में इसको सीधा निशान लगा देंगे। जैसे इसमें मैं आपको बताऊंगा से इसमें स्कूल ड्रेस का अगर कटिंग करना है और पार्टी पैलेस का कटिंग करना है तो कैसे करना है। उसके बाद में यहाँ से 1.5 इंच मार्क लगा करके और यहाँ से 7 इंची पे और ऐसे क्रॉस कर देना है। उसके बाद में यहाँ से 1/4 इंची
निकाल देना है। अभी ये हो गया आपका जो पार्टी पैलेस वाला, हो गया एकदम स्लिम फिट हो गया, ठीक है। तो ये आपका एकदम स्लिम फिट हो गया, जो बच्चे लोगों को चाहिए नॉर्मल पार्टी पैलेस शादी वगैरह में पहनने के लिए। अब इसमें आपको जैसे यूनिफॉर्म है, स्कूल ड्रेस है, अगर वो काटेंगे तो आपको पता है क्या करना है। ये 11 × 22 है तो इसको आपने क्या करना है, 23 रख देना है, ठीक है, 23 रख देना है। उसके बाद में ये आपका है 14 इंची, तो इसको 15 इंची पे रख देना है, ठीक है। ये 14 है तो 15 इंची पे रख देना है, और ये 12 है तो इसको 14 पे रख देना है। क्योंकि स्कूल का क्या हो गया, स्कूल का हो गया आपको बैठने में उठने में दिक्कत होगा बच्चे लोगों को, अगर स्कूल को ज़्यादा करके, स्कूल का पॉइंट जो होता है एक प्लेट होता है, बच्चे लोगों का भी एक प्लेट होता है, तो उससे क्या होता है, वो लूज होता है, ठीक है, वो लूज होता है, तो वो लोग को पहनने में चलने में आसानी होता है। तो ये आपका 28 कमर का हो गया, ठीक है, और ये 14 इंची हो गया, ये 22 इंची हो गया, और ये 12 इंची हो गया। तो ये आपका स्लिम फिट हो गया। अब इसी में आप ड्रेस को स्कूल ड्रेस कटिंग करेंगे तो आप बड़ा कटिंग करेंगे, थोड़ा थोड़ा बड़ा करेंगे, ताकि उसको पहनने में सुनने में, अगर वो कह रहा से, अगर वो उसके पास ऑलरेडी फिटिंग वाला है पैंट, तो आप उसका सेम कटिंग कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया फ्रंट। तो इसी तरीके से मैं आपको बैक का भी बताऊंगा, तो आप प्लीज़ पूरा वीडियो देखें, और आप कमेंट में बताएं आप लोगों को वीडियो में कोई कंफ्यूज हो रहा है तो। ये बहुत ही आसान तरीके से, मैं एकदम इजी तरीके से मैं बताया हूँ, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। मैं दूसरे आदमी के जैसे नहीं कटिंग बनाता हूँ, से मारिक लगा दिया, उसके बाद में फिर बाद में मिटा करके फिर दूसरा मैं अपना कटिंग करूँगा। मैं एक ही बार मैं लाइव दिखा देता हूँ, से आपको भी पूरा पता चलेगा से हाँ ये सही कटिंग कर रहा है, नहीं तो कपड़ा कौन बर्बाद करता है। तो ये मेरा हो गया। अब इसी तरीके से मैं फिर बैक भी बताऊंगा। चलिए, ओके, वाचिंग वीडियो, थैंक यू।